अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर वफियत होंगे। डॉन ट्यूटोरियल्स के ब्रीफ एनालिसिस के साथ हम हाजिर हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर में डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग का बताया जाएगा, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क को एक्सप्लेन किया जाएगा, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर होंगे और ग्रीन कलर में फैक्ट्स को बताया जाएगा जो कि आप अपने एसे में पुट कर सकते हैं अपनी आर्टिकुलेशन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा कुछ दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो डॉन एडिटोरियल्स हम बनाते हैं वहाँ पे मीनिंग्स क्लियर नहीं होते, तो इसलिए हम नीचे लिंक दे रहे हैं जहाँ पे ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है ये अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप ये डाउनलोडेड फॉर्म में भी एडिटोरियल्स हासिल कर सकें। वीडियो के एंड होने पर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और आपकी सजेशन भी मोर देन वेलकम है ताकि हम अपने मियार को मजीद इम्प्रूव कर सकें। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ जो है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो जी ये एक्सचेंज ऑफ लेटर्स किन के दरमियान हो रहा है? जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो उनके काउंटर पार्ट है इंडिया में नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ लेटर हुआ है उस पर ये एडिटोरियल है। इन द लेटेस्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया डी एस्केलेशन प्रोसेस। जो डी एस्केलेशन होता है ये टेंशन को कम करना होता है, एस्केलेट मीन्स बढ़ना होता है और डी एस्केलेट मीन कम होना होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज रिटर्न टू हिज इंडियन काउंटर पार्ट to respond to the letters Pakistan Day congratulatory letter। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब लेटर लिखा है जी अपने काउंटर पार्ट को, इससे पहले जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लेटर लिखा था जी। तो लेटर में क्या था ये इन्होंने पंक्चुएशन मार्क्स में इंक्लूड किया है, डबल कॉमाज हैं ये। एन इनेबलिंग एनवायरमेंट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मीन होता है कि जरूरी है ऐसा इन्वायरमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग भी जरूरी है। मिस्टर खान रोड, ये देख रहे हैं डबल कॉमाज उन्होंने बंद किए हैं और फिर लिखा है मिस्टर खान रोड। ये आप पहले भी लिख सकते हैं कि मिस्टर खान रोड, तो उसके बाद आपको डबल कॉमाज दोबारा शुरू नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने दरमियान में मिस्टर खान को कोट किया है, तो इसलिए डबल कॉमाज आगे चले गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लोज किया है, मिस्टर खान रोड लगाया है, एडिंग दैट, फिर डबल कॉमाज स्टार्ट हुए हैं और फिर दोबारा डबल कॉमाज एंड हुए हैं। ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो जी ऐसा इन्वायरमेंट जरूरी है जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग हो सके ड्यूरेबल पीस हासिल करने के लिए और स्टेबिलिटी साउथ एशिया जनूबी एशिया में। रिक्वायर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज पार्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर, और तमाम मसाइल को हल करना भी जरूरी है खसूसन जम्मू एंड कश्मीर के इशू को। इन द मार्च 23 कम्युनिकेशन नरेंद्र मोदी हैड कॉल्ड फॉर एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट के एनवायरमेंट के लिए कॉल दी थी, फॉर बेटर टाइज, बेहतर तल्लुकात के लिए, वाइल डिजायरिंग कॉर्डियल रिलेशंस। कॉर्डियल होता है जी फ्रेंडली रिलेशंस ताकि डेवलप हो सके दोनों ममालिक के दरमियान विद पाकिस्तान। ऑन द सरफेस डिस्कोर्स मार्कर है सेंटेंस की ब्यूटिफिकेशन को इनहेंस करने के लिए। देयर इज नथिंग रिमार्केबल इन दिस एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंट्रीज। तो ये जो तबादला ख्याल हो रहा है ख्यालात का या वर्डिंग का या लेटर्स का, इसी में अभी तक हमें कुछ रिमार्केबल नहीं मिला। हाउएवर ताहम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए, वेयर बाइलेटरल रिलेशंस हैव बीन पार्टिकुलरली टॉक्सिक, जहां पे दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो टॉक्सिक थे, जहरीले थे, दीज ब्रीफ एक्सचेंजेस आर बीइंग व्यूड एज द बिगिनिंग ऑफ नेसेंट पीस प्रोसेस। तो ये जो ब्रीफ एक्सचेंज हो रहे हैं लेटर्स के, ये एक जो अमन का प्रोसेस है उसकी इब्तिदा हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीदें हैं, ऑफकोर्स शुड नॉट बी टू हाई, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। बोथ द पाकिस्तानी एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वर रिसेंटली इन दुशांबे। तो जी फॉरेन मिनिस्टर दोनों ममालिक के थे दुशांबे में, ताजिकिस्तान में, के जो दुशांबे है वो ताजिकिस्तान का कैपिटल है। ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको मालूम होना चाहिए। टू पार्टिसिपेट इन हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग। तो दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वाइल नो बाइलेटरल मीटिंग टू प्लेस, तो दोनों के दरमियान फेस टू फेस कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ऑब्जर्वर नोटेड, जो मुशाहिदा करने वाले थे उन्होंने देखा, दैट बोथ ऑफिशियल्स अवॉइडेड कंबेटिव रिटोरिक एम्ड एट द अदर एट द कंक्लेव। जी तो कंक्लेव क्या होता है? कंक्लेव होता है प्राइवेट मीटिंग और सीक्रेट असेंबली। और रिटोरिक क्या होता है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। तो जिस तरह पहले आप देखते हैं कि यूएन में होता है जो रिमार्क्स का तबादला ख्याल होता है या एक इल्जाम की बौछार होती है, वो इस बार देखने में नहीं आई। एंड अदर मेजर साइन दैट थॉ इन रिलेशनशिप इज अंडर वे केम ऑन वेडनेसडे व्हेन द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी अनाउंस दैट पाकिस्तान वुड बी इम्पोर्टिंग इंडियन शुगर एंड कॉटन।
तो पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि इंडिया से शुगर और कॉटन इंपोर्ट करने वाला है। ये फैसला आया है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, तो ये भी इस चीज का साइन हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे परहैप्स द बेस्ट वे टू टेक द पीस प्रोसेस फॉरवर्ड इज टू इनकरेज सच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एज ट्रेड एंड कंटिन्यू टू डायलॉग प्रोसेस थ्रू द बैक चैनल। तो सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये नजर आ रहा है कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो बैक चैनल चलाया जाए अमन के प्रोसेस को मजीद बेहतर करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। एज मेंशन अबाउट, अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है, आप इसको ऐसे अफोर मेंशन भी लिख सकते हैं। बायलैटरल टाइज हैव बीन पर्टिकुलरली स्ट्रेंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। तो पिछले कई सालों से जो बायलैटरल टाइज थी, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात थे, ये स्ट्रेंड रहे हैं, मतलब सख्त रहे हैं या कशीदा रहे हैं। विद बोथ स्टेट्स कमिंग टू द ब्रिंक ऑफ वॉर इन 2019, जबकि दोनों जो स्टेट्स हैं वो 2019 में जंग के दहाने पर पहुंच चुकी थी। अनडूइंग दिस एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन विल टेक बोथ टाइम एंड एफर्ट। तो ये जो डिस्ट्रस्ट और जो शक का एनवायरनमेंट डेवलप हो चुका है, इसको बैकवर्ड ले जाने के लिए या इसको खत्म करने के लिए कुछ टाइम और कोशिशें दरकार हैं। अलॉन्ग विद कंटिन्यूइंग द डायलॉग प्रोसेस, हॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस मस्ट बी इग्नोर्ड एज दे विल नॉट वांट टू सी द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। तो दोनों साइड पे ऐसे लोग जो मौजूद हैं, हॉक्स मौजूद हैं, जो कि नहीं चाहते कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हों। ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए ये जो हॉक्स हैं, इनको दोनों साइडों को चाहिए कि इनको इग्नोर करें और इनको कोई अहमियत ना दें। हाउएवर ताहम इट अपीयर्स दैट क्वार्टर्स कंसर्न्ड ऑन बोथ साइड्स मे बी सीरियस अबाउट पीस, के ये जो दोनों साइड पे लोग हैं ये अमन के मुतालिक सीरियस हो सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ हैव बोथ स्ट्रेस द नीड फॉर बेटर बायलैटरल टाइज। प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिश की है। वाइल एट द अदर एंड द एंटी पाकिस्तान रिटोरिक हैज बीन टोन डाउन एंड मिस्टर मोदी हिमसेल्फ इज ऑफरिंग दिस कंट्री पीस वर्चर्स। मिस्टर मोदी खुद भी पीस की तरफ आना चाह रहे हैं। अब देयर मे बी सेवरल पिटफॉल्स अलोंग द वे। तो जो रास्ता है ये वाला, इसकी तरफ कई सारे पिटफॉल्स हो सकते हैं। तो पिटफॉल्स क्या होता है जी, हैजर्ड्स हो सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं या रिस्क हो सकते हैं। And there is a profound difference in the way Islamabad and New Delhi view key issues. और different किस्म की जो opinion है Islamabad और New Delhi की। Islamabad आप जानते हैं पाकिस्तान का capital है और New Delhi India का capital है। Particularly the Kashmir dispute, कश्मीर का जो तनाजा है इसको लेते हुए दोनों ममालिक की मुख्तलिफ आरा है। But that as it may, both states must put in their best effort to make peace work this time and bring to an end the longest standing tensions. तो दोनों ममालिक को चाहिए कि वो पीस की तरफ जो है अमन की तरफ काम करें और जो लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन हैं दोनों ममालिक के दरमियान में, उनको खत्म करने की कोशिश की जाए। जो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है वो है हाई नंबर ऑफ कोविड केसेस। तो कोविड केसेस हम सब जानते हैं कि राइज कर रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि ये किस तरह से राइज कर रहे हैं और क्या प्रिकॉशन हैं जो हमें लेनी चाहिए। द पिक्चर दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम कोविड 19 वार्ड्स एट हॉस्पिटल्स इन इस्लामाबाद, पंजाब एंड केपी डीपली डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है कि एगोनिंग है, पेनफुल है, सफरिंग है, अनोइंग है, परेशान कौन है। तो जो हम देख रहे हैं कोविड 19 वार्ड से जो इतलात आ रही है इस्लामाबाद में, पंजाब में और केपी में, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है। ऑक्सीजन बेड फिल हो रहे हैं और सब जो कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और वो एमरजेंसी वार्ड में भी एडमिट हो रहे हैं। कैपिटल में क्या हो रहा है जी, ए मेजर हॉस्पिटल इज फेसिंग सीरियस स्टाफ शॉर्टेज। एक जो मेजर हॉस्पिटल है, नाम मेंशन नहीं किया गया, उसमें सीवियर किस्म की जो स्टाफ शॉर्टेज है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो खुद भी उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, वो या तो घर पे आइसोलेट कर रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर्स में हैं। द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस टू हैज साउंडेड द अलार्म अबाउट एन इंक्रीज इन कोविड 19 हॉस्पिटल एडमिशन। तो DHO ऑफिस है जो इस्लामाबाद में, उन्होंने भी अलार्म किया है कि जो कोविड 19 में हॉस्पिटल एडमिशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और उन्होंने बहुत जो प्राइवेट हैं और स्टेट रन हॉस्पिटल हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कहा है ताकि वो क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें। द नंबर ऑफ सिंगल डे पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड इन द कैपिटल ऑन मंडे इज द हाईएस्ट एज इट हैज बीन सीन द पेंडेमिक बिगिन। तो जी मंडे को जो केसेस देखे गए हैं वो सबसे हाईएस्ट थे जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई है। तो जी आगे हमने ग्रीन में फैक्ट्स हाईलाइट किए हैं, ये फैक्ट्स आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं, जॉट डाउन करते जाएं या अपने पास आर्टिकल सेव करते जाएं, ताकि जब आप अपना ऐसे लिखने बैठे तो आप अपने आर्गुमेंट्स को जब स्ट्रेंथन कर रहे होंगे या सपोर्ट कर रहे होंगे या नलीफाई कर रहे होंगे तो आपको इन फिगर एंड फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद द कोटेशन मार्क्स या कोटेशंस। दैट NCOC हैज रिवील्ड दैट 26 सिटीज हैज पॉजिटिवली
रेट हायर देन 8%, तो जो 26 शहर ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8% से ज्यादा है। आगे जी पंक्चुएशन मार्क की एक किस्म है जिसको हम डैश बोलते हैं, डैश फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देगा। ए रियलिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन एंड वेंटिलेटर यूज इन बोथ पंजाब एंड द कैपिटल, तो ये एक रियलिटी है जो देखने में नजर आई है, जो कैपिटल और पंजाब बहुत में वेंटिलेटर जो लोग यूज कर रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। ऑन ट्यूजडे द सेंटर रिपोर्टेड द ग्रीन फिगर ऑफ 100 कोविड-19 डेथ्स इन 24 आवर्स, तो मंगल को सिर्फ जो इस्लामाबाद है वहां पे जो 100 ऐसे लोग थे जिनकी कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है। इट इज पिटी दैट पाकिस्तान हैज बीन प्लंज्ड इनटू अ डेडली वेव एट अ पॉइंट व्हेन वी नो मोर अबाउट द वायरस, तो जी प्लंज का मतलब क्या होता है जी, जंप या ड्राइव क्विकली, तो पाकिस्तान जो डेडली वायरस की तरफ बढ़ चुका है या ये एक अफसोसनाक मकाम है क्योंकि हम ये उस वक्त हुआ है जब हम वायरस और उसकी प्रिवेंशन के बारे में ज्यादा जानते हैं जितना कि हम एक साल पहले जानते थे, उससे अब हम ज्यादा जानते हैं, फिर भी वायरस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। डेली न्यू केसेस आर कंसिस्टेंटली हाई, कंसिस्टेंटली तौर पे हाई हैं डेली न्यू केसेस बिकॉज फॉर मंथ्स नाउ बोथ ऑर्डिनरी पीपल एंड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैव शोन केयरलेसनेस, इसकी वजह क्या है कि जो आम पब्लिक है और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो इंतहाई बेहतियाती बरत रहे हैं, इग्नोरिंग एसओपी, एसओपी इग्नोर कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, सिटीजन और ऑफिशियल जो है उन्होंने डिफाइड कर दिया है, इनकार कर दिया है या अपनाया नहीं है ग्लोबल प्रोटोकॉल्स को, एंड इवन कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब होता है असेंबल हुए हैं, जमा हुए हैं, एंड मैस वेडिंग और शादी के रिलीज पे और शादी के डिफरेंट फंक्शन पे। इन द सेम पीरियड में दो मैनी कंट्रीज वर इन लॉकडाउन, बहुत सारे कंट्रीज में लॉकडाउन था, वी रैलिश द मैजिकल इम्यूनिटी बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद द लोअर रिपोर्टेड डेथ एंड केस रेट हियर, तो हमने कहा जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो केस हैं वो कम है, डेथ रेशो कम है, द रिजल्ट इज बिफोर अस, और आज हमारे सामने इसका नतीजा आ चुका है। दिस वीक द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन वेडिंग स्टार्टिंग 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल से जो शादी की तकरीबात है उन पे भी पाबंदी लग चुकी है, दो वाई इट इज नॉट डूइंग एट वंस इज कंफ्यूजिंग, लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया गया इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वन ऑल्सो होप्स दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस टू कर्ब ऑन लार्ज गैदरिंग एट मस्जिद में, तरावी के लिए जो रमजान में होंगी उन पे भी रेजिस्टेंस या कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, अदरवाइज द थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन विल ओनली इंक्रीज, जो दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शन का जो खतरा है वो मजीद बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट मस्ट अपील टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पब्लिक एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अबाउट कोविड-19 एसओपीज, तो ये अब जरूरत ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें पैदा करनी होगी कोविड-19 एसओपीज को अपनाने के लिए, जैसा कि लाहौर में भी देखा जा सकता है चालान हो रहे हैं लोगों पे और जुर्माने भी हो रहे हैं, तो इससे जो इम्प्लीमेंटेशन है एसओपीज की वो उसमें मजीद बेहतरी देखने में नजर आएगी। इट मस्ट ऑल्सो बी इन अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल जी होता है इसका मतलब होता है अनएम्बिगुअस, अनमिस्टेकेबल, मतलब ये क्लियर होना चाहिए इन द कम्युनिकेशन एंड एक्शन टू कन्विंस पीपल, कम्युनिकेशन और एक्शन के जरिए लोगों को कायल किया जाए दैट द वायरस इज सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो वायरस है ये सीरियस पब्लिक किस्म का क्राइसिस है एंड विल फर्दर वीकन एंड ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड हेल्थ केयर सेक्टर, और ये हेल्थ केयर सेक्टर जो पहले ही बहुत वीक है उसको मजीद कमजोर कर देगा। एज केसेस कास्ट ए पॉल ऑफ ड्यूम, कास्ट ए पॉल ऑफ ड्यूम की इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रिएट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ऑल होप इज पिन्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, तो जो तमाम उम्मीद है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे मुनहसर है। हेयर द क्यू जम्पिंग, यहाँ पे लोग जम्प कर रहे हैं क्यू एंड आउट ऑफ टर्न प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वैक्सीन की, जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं आप देख सकते हैं कुछ लोगों की, तो इससे क्या हो रहा है, रिप्रीहेंसिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिविलेज, तो ये क्या है, डिसग्रेस, रिप्रीहेंसिबल होता है डिसग्रेसफुल, तो ये डिसग्रेसफुल रवैया है कि पॉलिटिशियंस ऑफ आउट ऑफ टर्न कोई जंप करके वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर रहे हैं और लगवा रहे हैं, इज ऑफन विटनेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट इट प्रोक्योर्स वैक्सीन एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर एट रिस्क मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये हक उनका बनता है जो कि रिस्क पे हैं लोग। द प्रोविंसेस टू मस्ट डू देयर पार्ट टू एंगेज ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स विद अ व्यू टू सप्लाइंग द वैक्सीन विदाउट अ वाइडली एक्सेसिबल एंड एफिशिएंटली रोल्ड आउट वैक्सीन प्रोग्राम, द अथॉरिटीज आर रॉबिंग पीपल ऑफ देयर राइट टू बोथ सेफ्टी एंड फ्रीडम, जब तक ये एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया जाता तो कहा जा सकता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो लोगों को लूट रही हैं अपनी सेफ्टीज भी, उनकी हिफाजत भी और उनकी आजादी भी, क्योंकि जब तक कोविड-19 प्रिवेल करेगा तब तक आजादी से कोई घूम फिर नहीं सकता और उसकी हिफाजत की भी कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट पीडब्ल्यूडी डाटा, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है।
It emerged during a session of Sindh Assembly on Monday that the provincial government had done little to collect data for the number of differently abled person in the province. तो सिंध असेंबली में ये जाहिर हुआ है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोई कोशिश नहीं की जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया गया. ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018. तो लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट थी उनकी एक अच्छी बात है कि वो लॉज इनेक्ट करते रहते हैं या लॉज बनाते रहते हैं. इनेक्ट का मतलब होता है पास करते रहते हैं, अप्रूव करते रहते हैं या रेटिफाई करते रहते हैं लॉज. इसी तरह से उन्होंने एक लॉ अप्रूव किया जिसका नाम था सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018. ये एमसीक्यूज भी आ सकता है करंट अफेयर्स में. विच वॉज हेल्ड बाई मैनी एज ए गुड स्टेप टूवर्ड्स द मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. तो कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये इम्प्लीमेंटेशन है जो यूएन की कन्वेंशन है राइट्स ऑफ पर्सन जो हैं उन लोगों के हकूक हैं जो कि डिसेबल हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली लिथार्जी होता है सुस्ती. एडमिनिस्ट्रेशन की जो जहरी सुस्ती थी इन डाटा कलेक्शन करेक्ट करने में कैन नॉट बी कंडोन्ड. कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक्ड या नजरअंदाज कर देना, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. द सिंध असेंबली वॉज इन्फॉर्म दैट द रेलिवेंट डिपार्टमेंट वॉज इन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन द प्रोविंस. सिंध असेंबली को इन्फॉर्म किया गया जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट कर रहा है ये जो डाटा है. ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वॉज शेयर इन रिस्पॉन्स टू एन एमपीए क्यूरी. तो एमपीए ने एक क्यूरी पुट की थी जिसकी नजर में ये वाला जो है पीस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है ये पुट किया गया असेंबली में. इफ द गवर्नमेंट न्यू हाउ मेनी वुमेन वर डिफरेंटली एबल इन द पाकिस्तान द रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला. तो ये रिस्पॉन्स किसकी तरफ से आया है? मुकेश कुमार चावला की तरफ से आया है जिन्होंने क्या कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ स्पेशल पर्सन जो है डिसेबिलिटीज के साथ है उन्होंने 44 लोगों को हायर किया था लेकिन ये जो हायरिंग है ये हॉल्ट हो गई है रुक गई है COVID-19 पेंडेमिक की वजह से. द लॉ मेकर्स जो है उन्होंने बताया कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनका इंटेंस जो है उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो एस्टेब्लिश करे ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिसमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको हायर किया जा सके बिसाइड आस्किंग बैंक्स एंड मल्टीनेशनल्स टू हायर मोर पीडब्ल्यूडीज बजाय इसके कि बैंक्स और मल्टीनेशनल्स को हायर करने का कहा जाए. अनफॉर्चुनेटली एक डिस्कोर्स मार्कर है. पीडब्ल्यूडीज आर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन द कंट्री. हमारे मुल्क में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जिनको किनारे पे लगा दिया गया वो पीडब्ल्यूडीज है. द फैक्ट दैट दे आर इवन अंडर रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंसिस उनको सेंसिस में भी अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है दैट टोटली एपैथेटिक एटीट्यूड. एपैथेटिक होता है जी एपैथी हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें कोई कंसर्न ना हो किसी को कोई एंथुजियाज्म ना हो ऐसा एटीट्यूड है लैक ऑफ कंसर्न का एटीट्यूड है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पॉलिसी मेकर की तरफ से टुवर्ड्स दी पोलाइट. पोलाइट क्या होता है जी पोलाइट होता है ट्रबल या डिफिकल्टी की वजह से. हम देख सकते हैं कि जो 1998 में सेंसिस हुआ था उसमें जो पीडब्ल्यूडीज की तादाद थी वो 2.38% थी लेकिन जो 2017 में सेंसिस हुआ है वहां पे पीडब्ल्यूडीज की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कम हुई है और 80% कम हुई है और अब सिर्फ 0.248% रह गई है जो कि एक अलार्मिंग फिगर है कि हम फैक्ट्स को क्लियरली या करेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे ऑब्जर्वली बोलते हैं रेडिकुलसली या टू अ वेरी सरप्राइजिंग एक्सटेंट. पाकिस्तान हैज बीन अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन पीडब्ल्यू राइट्स फॉर मोर देन अ डिकेड. तो पाकिस्तान जो यूएन की जो कन्वेंशन थी उसको इम्प्लीमेंट के लिए सिग्नेटरी रहा है एक दहाई से भी ज्यादा बट द डिफरेंटली एबल still remain on the fringes of workforce and also public since in fact all the provinces as well must be enabled to differently able to be independent and part of mainstream. What PW truly needs is society's acceptance and opportunities where they can show their full potential. तो जी सिंध में और दूसरे तमाम सूबों में इस अमर की इंतहाई जरूरत है कि जो PWDs की नीड्स हैं उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए और उनको मौके पर फराहम किया जाए ताकि वो भी अपना पोटेंशियल शो कर सकें. थैंक यू सो मच. ये जो आज के एडिटोरियल से जो April 1st को शाये हुए हैं इनके बारे में तमाम तर मालूमात थी और उसका हमने एक ब्रीफ सा एनालिसिस किया है. तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए. थैंक यू सो मच.